हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिरीन बर्गर्स किचन। पनीर अफगानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। बहुत ही इजी तरीके से बना के बताया है मैंने, आप आसानी से बना सकते हैं। ख़ास तौर पे जो न्यू कुक्स हैं वो भी बड़ी ही आसानी से इसे बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है और इसे मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप चाहें तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं। साथ में मैंने 2 बड़े प्याज बहुत रफली चॉप करके ले लिया है, 6 से 7 मिर्च ले ली है। इस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्च को, और खूब सारा हरा धनिया लेना है। इसके साथ यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब काली मिर्च ले लिया है, लहसुन ले लिया है मैंने 10 से 15, और साथ में 1.5 इंच के करीब मैंने अदरक ले ली है। अब गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, उसमें 2 चम्मच के करीब बटर डालेंगे, 1 चम्मच तेल डाल देंगे, और इसमें हमें जो पनीर है उसे हमें फ्राई करनी है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेनी है। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू हाई रखिएगा। जैसे ही सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हमें इसे निकाल लेनी है। पनीर को यहाँ पर फ्राई करने में मुझे 3 से 4 मिनट लग गए हैं। अब से उसी पैन में ही प्याज डाल देंगे, मिर्च और बाकी की चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि अदरक, लहसुन, काली मिर्च। सारी चीज़ें डालने के बाद हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज हल्की सी नरम ना हो जाए। इसे भी हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करनी है और इसको फ्राई करने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से नरम हो चुकी है प्याज। तो गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हमें मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेनी है। अब इसे पीसते वक्त इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसे एकदम बारीक पीस लेंगे हम। ग्रेवी के लिए पेस्ट रेडी हो चुका है। अब सेम उसी पैन में 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच बटर डाल देंगे, अच्छे से गर्म होने देंगे। अब उसमें डाल देंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 लवंग और 4 काली मिर्च और 1/2 चम्मच ज़ीरा भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से सौते कर लेंगे। उसके बाद पेस्ट को डाल देनी है। पेस्ट को डालने के बाद अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें फ्राई करनी है, मतलब स्टर करना है। और इस टाइम पे फ्लेम हाई रखिएगा और कंटिन्यू स्टर करते जाइएगा। 2-3 मिनट के लिए स्टर करने के बाद इसमें 1/3 कप के करीब दही डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे तब तक मिक्स करना है हमें जब तक ग्रेवी का कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर चेंज हो चुका है। तो अब इस टाइम पे इसे ढक के 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकानी है। ग्रेवी इस तरीके से तेल छोड़ने लगेगी। अब इस टाइम पे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, एकदम चुटकी भर हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ये डाल देनी है। लाल मिर्च पाउडर पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिए, इससे कलर भी बहुत अच्छी आएगी अफगानी में। इसे भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसे हमें ढक के पकानी है और 2-3 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल छोड़ने लगा है ग्रेवी। बस ये टाइम पे 1/2 ग्लास के करीब पानी डालना है। जो पनीर हमने फ्राई किया था वो पनीर डाल देंगे और नमक स्वाद के हिसाब से डाल देना है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है और ढक के 5 मिनट के लिए पका लेनी है। 5 मिनट हो चुका है, ग्रेवी हमारी एकदम रेडी है। बस लास्ट में इसमें हमें मिलाना है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम अगर आपके पास नहीं रहा तो आप उसकी जगह पे काजू का पेस्ट डालिए या फिर आप घर की जो फ्रेश मलाई होगी उसे अच्छे से फेंट के डाल दीजिएगा। इसके साथ 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। हर चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के 1 बॉयल आने तक पका लेंगे। 1 उबाल आ चुका है, बस ग्रेवी हमारी रेडी है। गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया दिख रही है ये। यकीन मानिए दोस्तों, ये इतनी बढ़िया लगती है ना, एक बार आप बना के देखिए, बस आप हर रोज़ यही रेसिपी को रिपीट करेंगे। और इसे आप नान रोटी, रुमाली रोटी या ज़ीरा राइस के साथ सर्व कीजिए। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए।